हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दुनिया में कोरोना इन्फेक्टेड का आंकड़ा लगभग 55 लाख हो चुका है। मौतों का आंकड़ा भी 34 लाख पर पहुंच चुका है। और विडंबना ये कि फिलहाल तक हमारे पास कोई टीका भी नहीं है। इन सिचुएशंस में वैज्ञानिकों ने वायरस से निपटने के लिए हाल ही में एक नया तरीका सोचा है। वे इसके आर रेट को देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से बढ़ता है। आने वाले समय में इसी के हिसाब से लॉकडाउन में भी ढील दी जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये आर रेट है क्या। दोस्तों, इसे आर नॉट भी कहते हैं, जिसका मतलब है रिप्रोडक्टिव रेट। इसे इस बात की जांच के लिए इस्तेमाल किया गया जाता है कि एक कोरोना मरीज अपनी बीमारी कितने लोगों तक फैला सकता है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसकी मदद से ये समझना चाह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण कितनी तेजी से और कितनी दूर तक पहुंच सकता है। इसकी मदद से ही लॉकडाउन के नए नियम तय हो सकते हैं या फिर उसमें ज्यादा सख्ती या ढिलाई दी जा सकती है। जैसे अगर किसी वायरस का आर रेट 4 है तो इसका मतलब है कि मरीज इसे 4 लोगों तक फैलाएगा। हालांकि आर रेट से ये पता नहीं लगता है कि ये कितना घातक हो सकता है। चीन के वुहान में जहां कोरोना वायरस इन्फेक्शन की शुरुआत हुई थी, वहां जनवरी में आर वैल्यू 2.35 थी। यही वजह है कि संक्रमण तेजी से फैला। हालांकि सख्त लॉकडाउन के कारण यही वैल्यू घटकर 1.05 हो गई। वुहान पर यह स्टडी मेडिकल जर्नल लैंसेट में आई है। इससे पता चलता है कि जितने कम से कम लोग आपस में मिलें, वायरस की ग्रोथ रेट उतनी कम होती चली जाती है और आखिरकार ये 1 से कम हो जाती है। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि वायरस की आर वैल्यू 0.6 और 0.75 के बीच रहे तो सबसे बेहतर होगा। इससे ज्यादा होने पर वायरस तेजी से फैलता है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगभग नामुमकिन हो जाती है। हर देश और यहाँ तक कि प्रदेश के लिए भी आर वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे भारत को ही ले लें तो इसकी आर रेट फिलहाल 1.22 आंकी जा रही है। यानी कोरोना के 100 मरीज ये बीमारी 122 लोगों तक फैला सकते हैं। सोचिए, अगर इसकी वैल्यू घटती है तो ये इशारा होगा कि लॉकडाउन का असर सकारात्मक हुआ है। घटता आंकड़ा बताता है कि लोगों ने वायरस से खुद को बचाया है। कुछ में इसकी वजह इम्यूनिटी हो सकती है तो कुछ में सोशल डिस्टेंसिंग। हर वायरस की आर वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे मौसमी फ्लू की वैल्यू 1.3 है, वहीं मीजल्स के वायरस की रेट 12 से 18% होती है। यानी ये बीमारी बहुत ज्यादा संक्रामक होती है। कोरोना के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने औसत निकालते हुए मार्च में ही कहा था कि इसकी वैल्यू 2 से 2.5 के बीच होगी। हालांकि फिलहाल आर वैल्यू निकालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये नहीं पता कि कितने लोग कोरोना से संक्रमित है। वैसे ब्रिटेन जैसे दूसरे पश्चिमी देशों में आर वैल्यू को लेकर लोग काफी सतर्क हैं, लेकिन भारत में अभी इसको लेकर जागरूकता फैलाए जाने की जरूरत है। फिलहाल सामाजिक दूरी ही एकमात्र उपाय है संक्रमण से बचने का। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और लगे हाथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।